दोस्तों रिसेंटली केंद्र सरकार के द्वारा एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है, एक नई योजना लाई गई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम या फिर यू कहें मिशन अग्निपथ। तो दोस्तों क्या है ये योजना, आज के इस वीडियो में इससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ऐसे काफी सारे युवा होते हैं जिनका सपना होता है कि वो देश की सेवा करें, देश की सेना में भर्ती हूँ, चाहे फिर वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो, किसी भी माध्यम से वे देश की सेना में भर्ती होना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। तक काफी सारे लोगों का ये सपना होता है। दोस्तों अब इस सपने को आप साकार कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक न्यू स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम। दोस्तों ये जो योजना है ये खास करके देश के उन युवाओं के लिए बनाई गई है जो कि देश की सेना में भर्ती होना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, जिनकी आयु 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में है। कुल मिलाकर तो एक तरह का यहाँ पर एक रोजगार आपको प्रदान किया जाएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो देश की सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज बता दूं कि सारी चीजें सेम है, जैसे आप देश की सेना में भर्ती होते हैं इसके लिए जो आप एडमिशन लेते हैं, आप आवेदन करते हैं, सारी चीजें बिल्कुल सेम है। जिस तरह आप वहां पर सेवा प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको इस योजना के माध्यम से भी सेवा प्रोवाइड करना है, सेवा देना है। बस यहाँ पर दोस्तों अंतर इतना है कि आपको केवल 4 वर्ष के लिए यहाँ पर सेना में रखा जाएगा, केवल 4 वर्ष ही आप सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटी स्कीम का जो मेन पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो मैंने आपको बता दिया है। और भी चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में हम सारी चीजें समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्या क्या योजना की टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगा, किस तरह आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह आप इसके लिए आवेदन करेंगे, किन किन चीजों का आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, क्या क्या आपको लाभ दिया जाएगा, किस तरह आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, सारी चीजें वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी आप आगे अपडेट देखना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी अपडेट इसको लेकर मैं आगे लेकर आता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आगे की चीजों पर यहाँ पर हम नजर डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जिस पर हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पर सेना में भर्ती हो सकता है, मतलब आयु कितनी होना चाहिए, कितना एज क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप नॉर्मल यहाँ पर सेना में भर्ती होते हैं जो उसका एज क्राइटेरिया होता है, उतना ही एज क्राइटेरिया यहाँ पर भी रखा गया है। आपकी जो आयु है जैसा कि मैंने आपको बताया 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच होना चाहिए, मतलब आपकी उम्र यहाँ पर 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के अगर बीच में है तभी आप इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस योजना के तहत आप सेना में भर्ती हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर केवल 4 वर्ष के लिए ही सेना में भर्ती किए जाएंगे, केवल 4 वर्ष ही आप अपनी सेवा यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो केवल 4 वर्ष का रहेगा, और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपका पूरा है, मतलब आपका ट्रेनिंग से लेकर आपका जो वर्किंग पीरियड है पूरा यहाँ पर टोटल आपका जो टाइम पीरियड है वो केवल 4 वर्ष का रहेगा। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो यहाँ पर लगभग 4 हफ्ते से लेकर 6 महीने के बीच आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपका जो वर्किंग टाइम है, वर्किंग पीरियड है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, और 4 वर्ष बाद आपका 4 साल बाद आपका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कि आपको कितना यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा, कितना आपको पैकेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ईयर होगा, आपका जो पहला साल होगा, उसमें आपको 4.76 लाख यानी 4,76,000 रुपए का पैकेज दिया जा रहा है, जो कि काफी अच्छा पैकेज है। और ये जो पैकेज है ये आपके लास्ट ईयर तक पहुंचते पहुंचते, आपके अंतिम वर्ष तक पहुंचते पहुंचते 6,92,000 रुपए हो जाएगा, मतलब आपका जो अंतिम वर्ष का पैकेज है वो आपका 6,92,000 रुपए रहेगा। तो काफी अच्छा पैकेज भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको और भी जो लाभ यहाँ पर है, जो भी आपको भत्ता मिलता है सेना में, जो भत्ता दिया जाता है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों आपका जब पोस्ट रिलीज होगा, आपको जब सेना का आपका जो कार्यकाल है वो समाप्त होगा, यानी कि जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको सेवा निधि के तौर पे 11.71 लाख यानी 11,71,000 रुपए की अलग से एक राशि प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपकी सेवा निधि पैकेज के तौर पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी काफी अच्छी चीज है, और ये जो राशि आपको दी जाएगी 11,71,000 रुपए टैक्स फ्री होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं लगाया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जब आपको आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पर आपको एक इंश्योरेंस भी दिया जाएगा जो कि 48 लाख रुपए का होगा। अगर आपको कुछ हो जाता है, किसी तरीके से आपकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर आपके परिवार को 48 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे, 48 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा दोस्तों आपका जब ये सारा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, आप जो सेवा यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे,
उसके बाद आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको आगे काम आएगा, जॉब जो भी आप आगे जॉब करेंगे तो वहां पर ये सर्टिफिकेट आपके काफी काम आने वाला है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिए, कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिन पर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका जो आप जब यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपका पेंशन बेस पे नहीं रहेगा, आपको केवल जो मैंने आपको पैकेज बताया, जो सैलरी अमाउंट बताया, केवल वही दिया जाएगा। चार साल के बाद आपको किसी भी तरह की पेंशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। उसके अलावा आपको जो भी भत्ता मिलता है, चाहे वो यात्रा भत्ता हो, जो भी यहाँ पर भत्ता आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो सैलरी के अलग रहेगा, सैलरी से अलग रहेगा। जो आपको सैलरी मिलनी है वो तो मिलनी ही, उसके अलावा आपको जो भी भत्ता यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको दिया जाएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर केवल चार साल के लिए काम कर सकते हैं, चार साल के लिए सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं आगे कि आप आगे भी सेवा में बने रहना चाहते हैं, आगे भी आप सेना में रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर जितने भी एडमिशन, जितने भी भर्ती यहाँ पर एक साल में की जाएगी उसका 25% जो भर्ती रहेंगी, अगर वो लोग चाहते हैं तो आगे भी सेना में कार्यरत रह सकते हैं, आगे भी सेवा दे सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप उस 25% में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो जो भी इसका क्राइटेरिया होगा, अगर उसका आप पूरा करेंगे तो आप आगे भी सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं, आगे भी आप सर्विस अपना दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो 25% है वो रिजर्व रखा गया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें जो एडमिशन होगा, इसमें जो भर्ती होगी वो किसी भी तरह से जाति धर्म को लेकर नहीं की जाएगी, किसी भी तरह का यहाँ पर कोटा आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पर सीधा जो कि आपको नॉर्मल आपकी योग्यता के अनुसार यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप योग्य होंगे, अगर आप उस क्राइटेरिया में आते होंगे, आपकी एज बराबर होगी, आपका क्वालिफिकेशन बराबर होगा, आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो बराबर होगा, आपकी हाइट है, जो भी चीजें यहाँ पर मेजरमेंट किया जाएगा, जो भी इसका क्राइटेरिया है, अगर वो आप पूरा करते हैं तो आप इस योजना के तहत आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी भर्ती हो जाएगी और आप आगे सेवा प्रोवाइड करा पाएंगे। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो, किसी भी सेक्टर में आप इस योजना के तहत भर्ती ले सकते हैं, आप भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हो उस सेक्टर में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भी आयु 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में है तो आप भी इसके लिए आवेदन करें। और अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आपको नहीं मिलेगी, जल्द से जल्द आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और जरूरी बात है जिस पर भी हमने बात नहीं की, जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो योजना है अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, जो स्कीम है रिसेंटली लॉन्च की गई है, तो अभी इससे संबंधित कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं बताई गई है किस तरह से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कितनी आपको शैक्षणिक योग्यता इसके लिए चाहिए और कितना यहाँ पर क्राइटेरिया फिजिकल फिटनेस को लेकर रखा गया है, कुछ भी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया है। बट जो भी यहाँ पर डिफेंस के लिए नॉर्मली सारी चीजें होती हैं, जो क्वालिफिकेशन होता है, जो एज क्राइटेरिया होता है, जो आपका फिजिकल फिटनेस होता है, चाहे वो हाइट हो जाए या फिर आपका जो भी हेल्थ है, जो भी यहाँ पर सारी चीजें जो क्राइटेरिया यहाँ पर नॉर्मल आप डिफेंस के लिए भर्ती में अप्लाई करते हैं भाई, इसके लिए भी सेम होगा। बट इसके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा किस तरह आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है, केवल इतनी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, आई होप आपको मैं समझाने में सफल रहा हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों एक पर्सनल लेवल पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जो भी यहाँ पर यूथ है, जो भी युवा है, जो देश की सेना में भर्ती होना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, उन तक ये वीडियो आप पहुंचाएं। क्योंकि ये वीडियो जितना ज्यादा शेयर होगा, जितना ज्यादा उन लोगों तक पहुंचेगा, उनको जानकारी इस बात की होगी और वो भी इस योजना से लाभ ले पाएंगे, इस योजना का लाभार्थी बन पाएंगे और वे भी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो मेरा पर्सनल लेवल पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस एज क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो अपने छोटे भाई बहन बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ आप इसको शेयर करें, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जितना ज्यादा हो सकता है आप इसे शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको ये जानकारी आप प्रोवाइड कराएं। और हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आता है, कोई भी जो भी आवेदन का प्रोसेस है, जो भी आगे का प्रोसेस आता है, तो उस पर भी मैं डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जैसे वो वीडियो मैं लेकर आता हूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।